हे गाइस व्हाट्स अप। मेरा नाम अर्विन किचन है। मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ बिलासपुर का, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का। अब ये यूट्यूब वीडियोस टैटू लेसन्स के बारे में रहेंगे और क्रेजी स्टफ रहेगा मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल में। तो प्लीज आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो आगे देखते रहो। कुछ क्वेश्चंस आए थे तो मेरे को बताना था, वो बारे में टॉपिक में बात करना था। तो कुछ क्वेश्चंस है, जैसे डिफरेंस बिटवीन कॉइल एंड रोटरी मशीन, कौन सा इंक यूज करना बेस्ट है, व्हाट इंक डू यू यूज, व्हाई डू इन्फेक्शंस हैपन इन टैटूज, इन्फेक्शंस क्यों होते हैं टैटूज में, और टैटू बनवाने में कौन सा प्लेस सबसे पेनफुल होता है, मतलब बॉडी में कौन सा जगह सबसे पेनफुल होता है टैटू बनवाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन कॉइल और रोटरी मशीन। डिफरेंस क्या होता है कि जैसे जो रोटरी मशीन होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं बुबू रोटरी मशीन यूज करता हूँ, डायरेक्ट ड्राइव रोटरी मशीन। डायरेक्ट ड्राइव का मतलब डायरेक्ट मोटर एंड अ बेयरिंग, डायरेक्ट ड्राइव। और बहुत सारे रोटरी मशीन अलग टाइप के भी होते हैं, बट मेरे को ये बहुत पसंद है। इसमें ये रहता है कि ये सिर्फ एक मोटर रहता है और एक बेयरिंग रहता है। इट्स वेरी इजी टू यूज, रिपेयरिंग के लिए भी बहुत इजी और बहुत अच्छा रहता है, और ये इस टाइप का यूज चलता है। और जो कॉइल मशीन होता है, कॉइल मशीन इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो दो आपके बैटरी टाइप का देख रहे हो, इसमें कॉपर वायरिंग होता है, जैसे फैन में बाइंडिंग होता है कॉपर बाइंडिंग, और जैसे जो बेल्स होते थे पुराने स्कूल के, जो बेल्स होते थे रिसेस के बेल्स होते थे, उस टाइप का मैकेनिज्म इसमें है। तो ये इस टाइप का इस वे में काम करता है। तो एक रोटरी और एक कॉइल मशीन में ये डिफरेंस है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इंक टू यूज, कौन सा इंक यूज करना चाहिए, और व्हाट इंक टू आई यूज, मैं कौन सा इंक यूज करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुपर ब्लैक इंक यूज कर रहा हूँ, ये इंडियन स्किन पे और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। और अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि आपको कौन सा इंक यूज करना चाहिए, तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। और मेरे हिसाब से आपको सुपर ब्लैक इंटेंस का यूज करना चाहिए और डायनेमिक ट्रिपल ब्लैक बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है, तो आप वो यूज कर सकते हो। और वाई डू इन्फेक्शन हैपन इन टैटूज, इन्फेक्शन टैटूज में क्यों होते हैं, इसमें बहुत सारे थ्योरी है, बहुत सारे चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये आर्टिस्ट, अगर एक आर्टिस्ट अच्छा सही इंक यूज नहीं कर रहा है, नीडल्स सही नहीं है और उसका सेटअप हाइजीनिक नहीं है, तो उस वजह से टैटूज में इन्फेक्शन हो सकते हैं। जो वो वाटर यूज करता है ग्रे वॉश यूज करने के लिए या इंक मिक्स करने के लिए, वो वाटर एकदम प्योरिफाइड रहना चाहिए, डिस्टिल वाटर रहना चाहिए, टैप वाटर नहीं रहना चाहिए। नल से पानी लेके वो टैटू में यूज कर रहा है, जिसमें भी इन्फेक्शन होता है और क्लाइंट्स के ऊपर जहां आता है, क्लाइंट्स उसका केयर नहीं करते प्रॉपरली, वो डस्ट में उसको एक्सपोज कर देते, क्यों एक चोट जैसा रहता है टैटू, एक चोट रहता है, तो आपको उस टाइप से उसका केयर करना पड़ता है। आपको ना कुछ एसिड खाना है, ना उसको सन में एक्सपोज करना है, ना स्विमिंग करना है, ना जिमिंग करना है, ना कुछ भी ऐसा करना है कि वो टैटू डैमेज हो। आखिरी सवाल, विच प्लेस इज मोस्ट पेनफुल, कौन सा जगह सबसे ज्यादा पेनफुल होता है टैटूज के लिए। तो मेरे हिसाब से सब पूरे बॉडी में आपका रिब्स, जो ये रिब्स पोर्शन रहता है, ये बहुत पेनफुल रहता है। आपका नेक पोर्शन, आपका ये स्कल पोर्शन बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है, और जो एरिया में ज्यादा फ्लैश ना हो, बोनी एरिया, जैसे एल्बो हो गया और आपका रिस्ट में जो बोन, जो हड्डी, जो बोन जहां से स्किन है, ज्यादा फ्लैश नहीं है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा पेनफुल, आप एक पेन, एक थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का पेन एक्सपीरियंस करो। ओके, सो गाइज अभी जो टैटू पार्ट्स के नेम्स स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम लोग एक टैटू मशीन बुलाते हैं। ये जो आप ये जो मेटल का जो आप ये हर एक पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, जो जोड़ के रखा है, इसको हम लोग फ्रेम बुलाते हैं। जो ये स्क्रू टाइप का जो आपको ऊपर दिख रहा है, इसको कॉन्टैक्ट स्क्रू बोलते हैं।
जो ये जो बार, जो मेटल का जो बार है जो आप देख सकते हैं, उसको आर्मेचर बार बोलते हैं। जो ये शीट, जो आप ये शीट जो कॉन्टैक्ट स्प्रिंग में जो कनेक्ट हो रहा है, ये शीट को, जो मेटल का शीट है, इसको हम बोलते हैं फ्रंट स्प्रिंग। ये है बैक स्प्रिंग, ये है फ्रंट स्प्रिंग। और जो ये जो बैटरी टाइप का जो आप देख रहे हो मशीन में, इसको हम लोग कॉइल बुलाते हैं। ये फ्रंट कॉइल है, ये बैक कॉइल है। कैपेसिटर यहां पे है। ये जो आप रबर का पीस देख रहे हो, इसको हम लोग ओरिंग बुलाते हैं। तो ये इसके कुछ पार्ट्स के नाम है। ये एक ग्रिप है जो हम लोग टाटू मशीन को कनेक्ट करके हम लोग ग्रिप लाइक ग्रिप टाइप यूज करके टाटू बनाते हैं। इसको हम लोग इंक कैप्स बोलते हैं। इसमें हम लोग इंक यूज करते हैं, डिस्पोजेबल रहता है सबके लिए, न्यू। ये टिप है, ये टिप हम लोग यूज करते हैं। इसमें आपको स्टील टिप्स भी मिलेंगे। ये यहाँ पे कनेक्ट होता है, हम लोग बाद में भी वीडियो में देखेंगे। ये प्लास्टिक वाला सबके लिए न्यू यूज कर सकते हैं हम लोग, डिस्पोजेबल रहता है, इसको टिप बुलाते हैं। ये है टाटू इंक जो यूज होता है, प्रोफेशनल टाटू इंक। ये फुट स्विच है, ये पावर सप्लाई जो पावर देता है मशीन को। ये पावर सप्लाई में फुट स्विच कनेक्ट होता है और ये दबाने से मशीन चालू होता है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ये पावर सप्लाई कुछ इस टाइप का दिखता है। और ये आरसीए कनेक्टर है जो मशीन में कनेक्ट होगा। ये मशीन के लिए क्लिपकॉर्ड कनेक्टर यूज होता है। ये क्लिपकॉर्ड मशीन लाइक क्लिपकॉर्ड नहीं है, ये आरसीए कॉर्ड है। तो ये आरसीए कॉर्ड एक रोटरी मशीन में सिलेक्ट होगा, जैसे इस टाइप का रोटरी मशीन यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ पार्ट्स के बारे में नॉलेज था। ओके गाइस, सो मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत नॉलेज आपको यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बहुत सारे वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आते रहेंगे और बहुत टाइप के वीडियोस आते रहेंगे। तो प्लीज प्यार जताओ, प्यार दिखाओ। प्यार देने के लिए हम तो बैठे हैं गाइस। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो गाइस। बाय।